क्वेश्चन नंबर 10 में किनका डाउट था? DPP1 क्वेश्चन नंबर 10, ये किनका डाउट था? ये तो आसान था बेटा, जिनका भी डाउट था। देखो यहाँ पे कितना है, जेड का बेस 1/4। हाँ बेटा आशीष देखिए, यहाँ पे बेस 1/4 है और यहाँ पे बेस 2 है, तो आप दोनों तरफ बेस इक्वल कर लो। और बेस इक्वल कैसे करोगे, वहाँ पे अगर वो 1/4 है तो आप 1/4 को कितना लिख सकते हो, 2 की पावर -2, और 2 की पावर -2 उधर -1/2 में चला गया, कोई दिक्कत? और वो -1/2 जेड के ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से कितना लिख सकते हो, z^-1/2=6। तो बस फिर कितना है, एक बार स्क्वायर कर दिया तो z^-136, यानी कि जेड का वैल्यू 1/36 हो जाएगा बेटा। इसी तरह से यहाँ भी देखो, अगर यहाँ पे बेस 8 है उसको 2 में कन्वर्ट कर लेना, और ये ऊपर जाके ये भी 2 में हो गया, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। आई गेस अब शायद सॉल्व कर पाओगे ये चीज़, ठीक है? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये DPP2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये किनका डाउट था? हाँ ठीक है, जिनका भी डाउट था वो देखिए यहाँ पे। प्रसन्ना आप, अच्छा वो हैंड रेज करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो log(3)4 है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/8 है, और यहाँ पे (8) है। तो आप इतना तो समझ ही गए होगे कि यार 2, 4, 8 है, इन सबको एक कॉमन बेस में लिख सकते हैं, मतलब सबको 2 के बेस में। हाँ करेक्ट, तो बस सबको मैंने 2 के बेस में कन्वर्ट कर दिया, तो इस 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, और वो वाला 2 इधर 1/2 आ गया। फिर इस 8 को लिख दिया 2 क्यूब, और वो इधर 1/3 में आ गया। और इस 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, और इधर 1/2 में आ गया। और उसके बाद हर जगह कितना बच गया मेरा, बन गया log(3)^2। और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए log(3)^2 को वाई मान लिया, तो हमारे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a+y/2 / a+y = a+y/3 / a+y/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से सॉल्व कर लिया, तो आप देखो y = आ गया आपका -4a, ठीक है। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक का टर्म काट दो, मतलब सब में सब एक ए तो सब में सॉरी एक वाई तो सब में है, तो एक वाई सबसे कट जाएगा, तो वाई का वैल्यू आ गया एक बार -4a। बस अब एक बार वाई का वैल्यू -4 आ गया, तो बी जो है, बी में आपको रेशियो ही तो लेना है, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, a+y/2 / a+y, और वाई के जगह पे लिख दिया -4a, तो ए वापिस से यहाँ कट गया, तो बी का वैल्यू आ जाता है 1/3। समझ में आया ये बात, ये समझ में आया सबको? डिड एवरीवन गेट दिस? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ DPP2 का क्वेश्चन नंबर 5, ये किनका डाउट था? जिनका भी डाउट था वो देखिए। ये देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी एक बार बताया था, और वापस से यहाँ पे समझा रहा हूँ कि इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, किसको, a^b^2, ये जो लिखा है a^b^2, इसको ध्यान से देखो। पहले आप उसको लिख सकते हैं a^b×b, और फिर हमें पता है कि a^m×n होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ a^m×n। तो ये जो लिखा हूँ ब्रैकेट में, वो समझ में आया कैसे लिखते हैं? पिछले बार भी बताया था, अभी भी समझा रहा हूँ, और उसको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मैनिपुलेशन, ये जो ट्रिक है या मैनिपुलेशन है, इसको इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आया ये चीज़? तो बस फिर क्या है, अब फिर क्वेश्चन देख लो, ये x^ कुछ समथिंग का स्क्वायर लिखा है, तो ये वही लिखा है, a^b^2 लिखा है, उसको आप लिख सकते हो कि x^ समथिंग की पावर b, तो वही हो गया। वो कितना हो गया, x^log(7^2) का पावर log(7^2), इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, y^log(5^3) का पावर log(5^3), और ये कितना हो जाएगा, z^log(216^5) की पावर log(216^5). यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बस फिर तो यहाँ का इसका वैल्यू दे ही रखा है, 8, इसका 8, 8, इसका 81 दे रखा है, और इसका 5^1/3 दिया है, तो वही का वही पुट कर दो। अब अगेन देख रहे हो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो आपको देख के कुछ कुछ अब होना चाहिए। अब तो इतना लॉग पढ़ लिए हो कि भाई ये 8 और 2 है, मुझे पता है a^log(n^2)a n होता है, तो यहाँ ए और यहाँ ए दिख जाए तो मुझे मजा ही आ जाए, मैं उसको डायरेक्ट एन लिख दूंगा। अभी नहीं दिख रहा है, अभी 8 है, 2 है, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही 8, हाँ
जैसे ही 8 को आप 2 की पावर 3 लिखोगे और वहां पे वो 3 लॉग से मल्टीप्लाई होगा और फिर वो 3 7 के ऊपर चला जाएगा, तो आपको दिख जाएगा कि 2 और 2 कॉमन है और उस होल का वैल्यू 7 क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ पे 81 और 3 दिख रहा है तो अभी आपको कॉमन नहीं दिखेगा, बट 81 को जैसे 3 की पावर 4 लिखोगे और वो 4 उचक के 5 के ऊपर जाएगा तो वहां से वो 5 की पावर 4 बन जाएगा और ये 3 3 कॉमन है तो उसका वैल्यू 5 की पावर 4 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 5 5 तो दिख रहा है, मतलब इस 1/3 को बस हटाना है, तो ये 1/3 यहाँ आ जाएगा तो वो 216 के ऊपर 1/3 आएगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 6। तो ये 343 प्लस 625 प्लस 6 का वैल्यू कितना आ गया, 974। यहाँ तक आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया हो, करेक्ट यहाँ तक? चलिए अब वो थोड़ा वो साइन देख लेते हैं क्या है सिग्मा और वो उसका सिंबल का क्या मतलब होता है। तो आप लिख भी सकते हैं कहीं, अगर ऑफ कर रहे हो तो वहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक रफ कॉपी साथ में रख सकते हो। ये जो सिंबल होता है आपका, ये होता है सिग्मा या समेशन, सिग्मा। इसको इसको रीड करते हैं सिग्मा से, और हमको ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं जब हमको ऐड करना होता है। तो आप बोलोगे सर ऐड करना होता है तो सर प्लस क्यों नहीं यूज करते हो? हाँ प्लस यूज करेंगे। अच्छा तो लेकिन प्लस कब यूज करेंगे, जैसे मुझे ये बेटा 1 + 2 यूज करना है तो चलो मैंने प्लस यूज कर लिया। अच्छा इसमें 3 भी प्लस करना है तो मैंने चलो प्लस सिंबल यूज मुझे इसमें 4 भी 1 2 3 4 का मुझे सम चाहिए तो मैंने प्लस कर लिया। अच्छा कोई बोलेगा प्लीज डोंट मेक साउंड गाइस, मुझे अगर 1 से लेके 4 तक के नंबर का सम चाहिए तो मैंने प्लस प्लस करके लिख लिया। अच्छा कोई बोलेगा 5 तक का सम चाहिए तो एक बार और प्लस कर दूंगा, अगर 10 तक बोला तो 6 7 8 कर दूंगा। अच्छा अब आपसे, हाँ अभी आपसे एग्जैक्टली 1000 तो आपने कम कह दिया। कोई बोलेगा कि भाई मेरे को 1 से लेके 3 3 लाख नंबर या 1 करोड़ नंबर का सम चाहिए, तो क्या सबको ऐसे लिखोगे क्या, 1 + 2 + 3 + 1000 + 1 1001 + 1003 ऐसे लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे ना। हाँ तो बस ऐसे ही चीजों के लिए, ऐसे ही प्रॉब्लम्स के लिए हमने वो सिंबल बनाया। कौन सा सिंबल? सिग्मा, जहाँ पे कि अगर हाँ अगर नंबर एन हो, बहुत सारा नंबर हो, तो बस उसको आप सिग्मा नोटेशन से लिख सकते हो। जैसे सिग्मा नोटेशन से कैसे लिखते हैं, फिर उसमें एक जैसे मान लो मुझे लिखना है 1 + 2 + 3 + up to 10 लिखना है, मतलब सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर का सम लिखना है। तो आप लिख दो कि सिग्मा का यहाँ पे सिंबल बना लिया और यहाँ पे लिख दो कुछ एक पैरामीटर ले लो, आप टी ले सकते हो या आर ले सकते हो या एक्स ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आर लिख दो। और तो जैसे ही यहाँ पे सिग्मा लगा और यहाँ पे आर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये आर का समेशन है। और अब यहाँ पे लिमिट दे दो, लिमिट, अच्छा लिमिट आप नहीं समझोगे, बट यहाँ पे इस सिग्मा के नीचे लिख दो r = 1 से यहाँ पे इसके ऊपर लिख दो r = 10। इसका मतलब हुआ कि आर को 1 से लेके 10 तक वेरी करना है, मतलब 1 से लेके 10 तक वेरी करना है और वो सब प्लस साइन से कनेक्टेड होगा। बात समझ में आई यहाँ तक सबको? सबको बात? चलो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे अगर आपको लिखा हुआ है कि सिग्मा 2r + 3 आर वेरीज फ्रॉम 1 to 4, तो आपसे क्या पूछा है? इसका मतलब हुआ कि इस वाले, ये तो कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस ये वाले एक्सप्रेशन में आप शुरू करो कहाँ से, 1 से लिखना और 4 तक जाओ और सबको प्लस साइन से कनेक्ट करो। तो उसी तरह से अगर आप आर का वैल्यू 1 लोगे तो पहला टर्म कितना बनेगा बताओ, 2 × 1 2 और +3 5। फिर आर का वैल्यू 2 लोगे तो दूसरा टर्म क्या बनेगा, 2 × 2 = 4 + 3 = 7। करेक्ट। आर का वैल्यू 3 लोगे तो कितना बनेगा, 9, और आर का वैल्यू 4 लोगे तो कितना बनेगा, 11। बस इतना करके छोड़ देना है, आगे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट फिक्स कर दिया 1 से और अपर लिमिट फिक्स कर दिया 4 तक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो चलो ऐसे कोई लिख दिया, मान लो सिग्मा लिख दिया आर वेरीज फ्रॉम 1 to 9, चलो 7 लिख दिया, 1 to 7, और यहाँ पे लिख दिया चलो कुछ भी, मतलब लिख दिया चलो r² - r लिख दिया, चलो ये लिख दिया। तो ये कहाँ से, ये कैसे होगा बताओ?
करेक्ट, तो पहला टर्म बनेगा जीरो, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट बोले हो, प्लस, और वो प्लस साइन से कनेक्ट होगा, फिर आर को टू लिखेंगे तो टू स्क्वायर माइनस टू कितना हो जाएगा, फोर माइनस टू कितना हो गया, टू, तो यहाँ पे टू आ गया। फिर तीसरे टर्म के लिए आर को थ्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री स्क्वायर नाइन, करेक्ट, और फिर फोर स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व, और फिर पचास, फिर ट्वेंटी, और फिर ऐसे करके लिख देंगे। बात समझ में आ गई यहाँ पे क्या है, क्या था वो चीज़, क्या ये सिग्मा का नोटेशन का। चल चलिए अब देखते हैं दूसरा समेशन है, एक और सिंबल है अजीबो गरीब, आपने सुना ये पाई की जैसा है, तो इसको ऐसे ही है ना भाई ये, हाँ तो ये वाला इसको, हाँ इसको पाई ही कहते हैं, उसको सिग्मा कहते हैं, इसको पाई को पाई ही कहते हैं, और इसका काम होता है कि बस वो जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो पहले वाले एक्सप्रेशन का काम यही है कि वो बीच में बस प्लस साइन देगा, और ये वाला क्या करेगा कि उन सबको मल्टीप्लाई करते जाएगा। बात समझ में आई, तो जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ये पाई का सिंबल बना दिया और यहाँ से लिख दिया आर इक्वल्स टू वन, और यहाँ पे लिख दिया फाइव, और यहाँ पे लिख दिया मतलब चलो आर लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आर को वन रखा तो पहला टर्म वन, हाँ, और वन इंटू एग्जैक्टली वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव हो गया, और जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई यहाँ पे, चलिए अच्छा कोई इसको ऐसे लिख दिया पाई आर वेरीज फ्रॉम वन टू फोर, और यहाँ पे लिख दिया लॉग ऑफ चलो आर अपॉन आर बेस आर प्लस वन, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे लॉग, तो पहला टर्म क्या बनेगा, मैं आर को वन रखूंगा तो आर को वन रखा तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, लॉग वन, ठीक है वो जीरो हो जाएगा, अभी वो नहीं देख रहा हूँ, बस वैल्यू नहीं देख रहा हूँ, बस वो देख रहा हूँ कि क्या आएगा, लॉग वन और बेस में कितना टू, पहला टर्म ये बनेगा। इसमें किसी को कोई डाउट समझने में, अच्छा और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर सेकंड टर्म क्या बनेगा, आर को टू रखा तो वहां पे बनेगा टू बेस थ्री, और फिर थर्ड टर्म क्या बनेगा, लॉग थ्री बेस फोर, और फोर्थ टर्म कितना बनेगा, लॉग फोर बेस फाइव। कोई दिक्कत यहाँ तक गाइस, चलो अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि साइन आर स्क्वायर पाई आर वेरीज फ्रॉम वन टू थ्री, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला टर्म क्या होगा, साइन वन इंटू फिर साइन फोर, नहीं फोर आर टू का स्क्वायर फोर, हाँ, और इंटू साइन नाइन। बात समझ में आ गया सबको, यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे सकता है, बस वहाँ पे आपको वन टू थ्री लेके पुट करते जाना, कहाँ तक पुट करना है उसके लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट देख लेना। इज दिस करेक्ट, इज दिस क्लियर गाइस, चलिए तो अब वो वाले क्वेश्चन जो किए थे आपके हो जाएंगे क्या, चलिए। और एक चीज और, अब जो रेगुलर डीपीपी आपने 9 और 10 किए थे तो उस वाले में मैं देखा जब डाउट्स लिखना शुरू किया तो मैं जब आपको कॉपी में दिखाऊंगा जब when I started writing the doubts, wait a minute, इसको फिर खत्म करते हैं, stop sharing, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर टू में किसी को कोई डाउट था क्या, अच्छा क्वेश्चन क्या, हाँ हाँ, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल नंबर बिलोंग टू द फॉलोइंग कलेक्शन, ठीक है बोल रहा है कि ये जो सारे नंबर है इसमें कितने डिस्टिंक्ट नंबर है, तो आप यहाँ से देखो लॉग ऑफ फोर माइनस रूट फाइव और लॉग फोर प्लस रूट फाइव और ये एल एन फोर माइनस रूट फाइव, यहाँ से एक चीज आप देख सकते हो कि फोर प्लस रूट फिफ्टीन इंटू फोर माइनस रूट फिफ्टीन, इसका वैल्यू कितना होगा, वन होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत, तो वही अगर यहाँ पे ये लिखा है एल एन फोर प्लस रूट फिफ्टीन, तो क्या उस यहाँ से आपको कह रहा है कि
ऐसे तो डिस्टिंक्ट वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6 कि 6 अलग अलग वैल्यू दिया है, बट इसमें से बहुत सारे वैल्यू हैं जो कॉमन है, एक जैसे हैं, तो उनको कॉमन वाले को नहीं लिखना है, आपको डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन लिखना है। तो आपको चेक कर लेना है कि हाँ कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं है। जैसे अगर मान लो अगर ए बी का प्रोडक्ट अगर 1 हो तो यहाँ से ए इक्वल्स टू 1/b होगा, तो यहाँ से कोई अगर लॉग ए का वैल्यू पूछे या आपसे लॉग 1/b का वैल्यू पूछ ले, बात तो वही है ना। लॉग ए एंड लॉग ऑफ 1/b, ये दोनों क्या दो अलग अलग क्वांटिटी होगा ना, एक ही क्वांटिटी होगा इफ ए बी इक्वल्स टू 1। आई एम जस्ट आस्किंग, इट एग्जैक्टली इट विल बी सेम क्वांटिटी, तो वो आपको देख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जो ln 4 -√15 या 4 + √15 और ये -of 4 -√15। अच्छा यहाँ से समझो, -of ln 4 -√15 का मतलब क्या, वो -4 -√15 के ऊपर चला जाएगा, यानी कि वो 1/4 -√15 आ जाएगा। अब 1/4 -√15 को रैशनलाइज कर लो इसको इनटू तो ये बेसिकली 4 + √15 ही लिखा है, देख रहे हो, और वो तो ln 4 + √15 पहले ही पूछ दिया आपसे। समझ में आ रहा है? तो ऐसी ऐसी चेक कर लोगे कि कितना कितना डिस्टिंक्ट है। हाँ तो आप बस इसलिए हिंट दे दिया, आप चेक कर लेना, नहीं होगा तो वापस से मुझे वो नेक्स्ट क्लास में तो आप डाउट भेज ही देना कि हाँ उसको हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट था क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी पहले बोल रहा हूँ, बस आपको एक हिंट दे देता हूँ, उसके बाद नहीं हो तो सॉल्व करेंगे। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, अबे दोनों बेस 2 है तो फिर आपको देख के कुछ कुछ होना चाहिए। इस 3 को x के ऊपर ले जाओ तो वो x³ हो गया, तो यानी कि ये कितना बन जाएगा, लॉग ऑफ x³ (27)^2=3, और फिर इसको यहाँ से सॉल्व कर लो x के लिए, आ जाएगा बेटा। अच्छा चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें किसी का कोई डाउट था क्या? हाँ चलिए वापिस से बोल रहा हूँ, हाँ, वापिस से देख रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2 और 3 है और यहाँ पे 4 और 9 है, देख के कुछ कुछ हुआ, ये 2, 3 और 4। हाँ एग्जैक्टली, बस यही तो करना है। वहाँ से जो log ऑफ 4^9 लिखा है, 4 को लिख दो log 2 square और 3 को लिख 9 को लिख दो 3 square, और यहाँ का पावर ये 2/2 में एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में आएगा, तो वो टू ये कितना लिखा है, x³ log 2^3, और अगेन बोल रहा हूँ 2^log(x^3) हो या x³log(2^3) हो, हमने बोला था, क्या बोला था कि इस बेस को कांस्टेंट रखते हुए इस एक्स और टू को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, बोला गया था कि नहीं बोला गया था, याद है कि नहीं याद है? तो वो दोनों सेम ही चीज़ लिखा है बस। तो अगर इसको टी मानते हो तो ये भी टी हो जाएगा, तो उसके बाद सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए चलिए, तो अच्छा ये इस टाइप का तो क्वेश्चन हमने क्लास में ही कराया था, 2^a = 7^b, तो आप इसको वहां से सोच सकते हैं। हाँ ये जो इक्वेशन है लॉगरिथमिक इक्वेशन है, आप इसको भी वो कर लेना, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कौन सा सेकंड में? अच्छा नहीं नहीं ठीक है, वो अभी के लिए तो मैं आपको बस ऐसे ही समझा सकता हूँ, लेकिन ठीक है अभी सॉल्यूशन नहीं बता सकता, तो ठीक है मैं 6 का भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 35 - x³ = 5 - x³, यही तो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लें, उसको सॉल्व कर लेना। चलिए ठीक है, नहीं मैं बस एक बार ऐसे डिस्कस कर दिया कि बहुत सारे बच्चे के डाउट्स आ रहे थे, बट नहीं आ रहे तो ठीक है। मैंने देखा था कि सब मुझे एक से लेके मुझे लगा कि 7 सारे है, तुम्हें बोला यार इतना बताने से अच्छा है कि एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूँ। अब तो ठीक है, अभी आप मुझे नेक्स्ट क्लास में ये जरूर बता देना कि कौन कौन सा हुआ, ठीक है ना। 9, 10 आप 11 तक कर लो, 11, 12 कंप्लीट कर लो, खत्म करो इसको, ठीक है? ठीक है हाँ 11 तक, और वो स्पेशल डीपीपी 2 तक ही करो, 2 या 3 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए चलिए। और एक चीज और थोड़ा और डिस्कस करना है, वो देख लेते हैं कि क्या डिस्कस किसी बच्चे ने शायद वो पूछा था मेरे से। नहीं, ये चलिए क्यों आ गया। मैंने जो क्लास नोट में लिखाए थे उसके कुछ क्वेश्चन पूछे थे, कौन से बच्चे ने पूछे थे मुझे पता नहीं है, बट किसी ने तो पूछा था। मैंने तो सॉल्यूशन बनाया था, इसी में था, इसी पेज में था। एक लेट मी चेक वन मोर टाइम। इट वाज इन दिस पेज ओनली। या हियर इट इज। ओके ओके